5 साल में हमारी सरकार नहीं रहेगी, हम विपक्ष में आ जाएंगे, ऐसा सोच नहीं था हमारा। चुनाव के तहत बहुत सारी योजना को बंद किया जा रहा है, ये हमारे जनता के लिए बहुत दुखद, जो बहुत सारे काम हुए भी और बहुत सारी चीजें भी करने को है। हर्षदा जी इस समय हमारे साथ है और आइए हम इनसे बात करते हैं कि विधानसभा का सत्र चालू हो चुका है, आप किस प्रकार से आप बीजेपी से लड़ेंगे? बहुत सारे मुद्दे रहेंगे जनता के बीचों में, बहुत सारी मांगे हैं, बहुत सारी योजनाओं का खंडन किया जा रहा है, तो सारी बातों को लेके यहाँ आएंगे और बहुत सारी बातों को हम प्रस्ताव को कराने के लिए विशेष ध्यान देंगे। बहुत सी समस्याएं हैं कि जो भूपेश बघेल समय पर पूरी नहीं हो पाई थी, उसके कैसे दिखते हैं कराएंगे? भूपेश बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी, बहुत सारे योजनाओं को पूरा क्रियान्वयन किया था, लेकिन अब 5 साल में हमारी सरकार नहीं रहेगी, हम विपक्ष में आ जाएंगे, ऐसा सोच नहीं था हमारा। और अभी जैसे विपक्ष में है तो हम चाहेंगे कि वो काम हो, लेकिन अब उनकी योजनाओं के तहत बहुत सारी योजना को बंद किया जा रहा है, ये हमारी जनता के लिए बहुत दुखद घटना मानना चाहिए, दुखद समय है, क्योंकि बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा था, किसानों को समृद्ध किया जा रहा था, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम जैसे स्कूलों में पढ़ाई कराने का मौका मिला था। तो ये अगर योजनाओं को रोक के अगर कोई काम कर रहे हैं तो जनता का हित नहीं हो पाएगा, इसलिए योजनाओं को लागू रहना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। डोंगरगढ़ में कई समस्याएं हैं, डोंगरगढ़ में बहुत सारी समस्याएं है, पहले भी थी तो उसको सुधारा गया था, 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे भी, तो बहुत सारे काम हुए भी और बहुत सारी चीजें भी करने को है, जिसका निर्माण जनता से के सहयोग हम करेंगे जनता के साथ में। ये बीजेपी की घोषणा पत्र को कैसे दिखते हैं आप? कई प्रकार की दान की स्वास्थ्य, अभी तो उनके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं। जैसे कई प्रकार की घोषणा पत्र में वादे किए, तो क्या लगता है आपको कि कौन कौन से वादे पूरे महिलाओं को लेकर की है, युवाओं को? मेरे को तो नहीं लग रहा है कि वो कोई से योजना को पूरा कर पाएंगे, जिस तरह से उनकी रणनीति है, अगर वो योजना को पूरा करना रहता तो कई सारे नियमों को लागू नहीं करते इस तरह से और लोगों को धोखे में नहीं रखते। पूरा क्रियान्वयन, पूरा नियमानुसार उनको बताया जाता कि इस योजना का लाभ ऐसा मिलेगा या इस तरह से मिलेगा, पर उन्होंने योजना एक अभी निकाला है मातृत्व योजना, जिसमें 12,000 रुपये का जो था गृहलक्ष्मी का था क्या, हाँ उसमें 12,000 की बात कही, लेकिन अभी सारे लोगों को नहीं मिल पाएगा, ये कहीं ना कहीं एक धोखे देने वाली बात है, जिसमें महिलाएं थोड़े रुष होंगी, क्योंकि उनको लेके चलना चाहिए, उनको जैसा वादा किया, जैसा घोषणा किया उसको पूरा करना चाहिए। क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में युवाओं की बेरोजगारी है, महिलाओं की समस्या है, उनको कैसे देखेंगे बहनों को रोजगार मिले? महिलाओं के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सशक्त करने के लिए उनके लिए मांग करेंगे कि शिक्षा के लिए उनके हित में कार्य हो, उनको रोजगार से जोड़ा जाए और उनको आगे बढ़ाने का मौका दें। ये थी डोंगरगढ़ की विधायक, जिन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपने सदन में रखेंगे। रायपुर से महेंद्र नामदेव, छत्तीसगढ़ तक के लिए।